इस समापन समारोह में अतिथिगण को गुलदस्ता से स्वागत करने के लिए मैं श्वेता से अनुरोध करता हूं कि वो गुलदस्ता से अध्यक्ष सुरेश दत्त अवस्थी को स्वागत करें। श्वेता कुमारी से अनुरोध करता हूं कि वो परमान पंचाल को गुलदस्ता से स्वागत करें। और रेखा से अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर वेंकटराम राव सर गुलदस्ता से स्वागत करें। इस तरफ प्रेमा से अनुरोध करता हूं कि वो गुलदस्ता से रेखा शर्मा जी को स्वागत करें। कुमारी प्रीति से अनुरोध करता हूं कि विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर टीवी कट्टिमणी को गुलदस्ता से इस समारोह के लिए समापन सत्र में स्वागत करें। मैं अवस्थी साहब से अनुरोध करता हूं इस सत्र का अध्यक्ष करें, अध्यक्षता का कार्य वाले। सबसे पहले मैं प्रोफेसर टीवी कट्टिमणि से अनुरोध करता हूं कि इस विदेशी राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन करें। सबको आदाब। आप सब जानते ही हैं मैं बहुत खुश हूं। खुशी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप सब दोनों दिन हमारे साथ रहे, केवल शहर के लोग ही नहीं, शहर से सुदूर अलीगढ़ से, दिल्ली से भी, गोवा से भी आप आए, हमारे साथ रहे, हमारे उत्साह को दुगुना चौगुना कर दिया। एक शिक्षक को, एक ऑर्गेनाइजर को, इवेंट मैनेजर को इससे बढ़कर इनाम, इससे बढ़कर उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरा ये परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, आप सबको मैं धन्यवाद अर्पित करूँ। इकतीस मार्च को विभाग की स्थापना इस विश्वविद्यालय में होकर 2 बरस पूरा होते हैं। इतना स्थानीय अर्थवत्ता जो यहाँ हमारे कवियों ने यहाँ प्रस्तुत की, ये बहुत ही दाद देने की बात है, दाद देने की चीज़ है। मैं इन सभी कविगणों को, शायरों को, साहित्यकारों को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझूंगा। मुझे तो लग रहा है, मैं तो प्रस्ताव तो यूनिवर्सिटी में रखूंगा, इस तरह की दक्षिणी कवि गोष्ठी हमारे यूनिवर्सिटी में महीने में एक बार होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को मैं मनाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं एज ए डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, इसका आयोजन करूंगा। इससे क्या होगा, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, आधा दिन इसमें हम व्यय कर सकते हैं, लेकिन पूरा एक महीने का रिचार्ज हमारे एम्प्लॉइज को हम रिचार्ज कर सकेंगे, फ्रेश कर सकेंगे, रिफ्रेश कर सकेंगे, जिससे यूनिवर्सिटी को, जिससे विभागों को, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनसे हमारे विद्यार्थीगण को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम
हास्य का कितना महत्व हमारे जीवन में है और हम इस आपाधापी में हंसना हम भूल गए हैं। हंसने की इस चीज़ को, हंसी को हमने फ्रिज में बंद करके रख दिया है और दोबारा उसको खोल के अपने मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। ये कवि गोष्ठी ने ये सिद्ध कर दिया और इस छोटी सी कवि गोष्ठी में विभाग के कवियों ने, कवित्रियों ने भाग लिया। मैं विभाग के कवि और कवित्रियों को, बाहर से आई हुई उच्च स्तर के कवियों को, जिनको जिनकी कविताओं को लेकर हमने बड़े जिंदा दिली से, प्यार से हमने उसका आस्वादन किया, इसलिए उनको भी दोबारा धन्यवाद देते हुए जो दो तगड़े सत्र हुए। प्रथम सत्र में आप जानते हैं 6 विद्वानों ने अपना प्रपत्र हमारे सामने रखा, जहां हमने सोचा था कि यहां दक्षिणी भाषा को लेकर लोग बात करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, इस दक्षिणी भाषा की स्ट्रक्चर को, संरचना को लेकर अब्दुल अजीज साहब ने बात की, दक्षिणी भाषा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर अवस्थी साहब ने हमारे सामने अपनी बातें रखी, प्रोफेसर विजय राघव रेड्डी जी ने दक्षिणी भाषा पर अन्य बोलियों का प्रभाव को लेकर उन्होंने बात की, अहमदनगर से आए हुए डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब ने दक्षिणी पर मराठी का प्रभाव को लेकर बात रखी, और डॉक्टर सुखविंदर कौर जो पटियाला यूनिवर्सिटी में रीडर है, पंजाबी और हिंदी भाषा की बड़ी विदुषी है, किसी वैयक्तिक कारणवश नहीं आ सकी, लेकिन उस लेडी का कमिटमेंट देखिए, उस लेडी का कमिटमेंट देखिए, उन्होंने फैक्स किया और कहा कि उनकी सासू माँ मर गई है, फिर भी कई बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई साहब ये हुआ, मैं फैक्स कर रही हूँ, आप किसी से पढ़वा दीजिए। रेणु यादव ने जो शोधार्थी है, शोध छात्रा है, बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया। और फिर तबस्सुम बेगम हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्रा है, दक्षिणी भाषा की ध्वनिगत विशेषताएँ बहुत ही अच्छे ढंग से, एक एकेडमिक डिसिप्लिन उनकी प्रस्तुति में हमने देखा। इन 6 विद्वानों को और इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर एसएम मजरुद्दीन फारूकी साहब, इस CPDUMT के जो अध्यक्ष निदेशक हैं, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार कर ली, ग्रहण की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हम सब की स्फूर्ति को, हम सब के उत्साह को दोगुना कर दिया। इन विद्वानों को, इस अध्यक्ष महोदय को मैं विश्वविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद देते हुए मैं ये इतना कहना चाहूँगा, बाद में कुछ बातें कहूँगा। जो आज जो सत्र हुआ, द्वितीय सत्र, उसमें दक्षिणी गद्य का विकास प्रोफेसर रोहिताश जी ने अपनी बातें रखी। प्रोफेसर रोहिताश वास्तव में ये चलता फिरता दक्षिणी कोश है, चलता फिरता तो है, गोवा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू गोवा। इनके फ्लैट में गोवा के किसी, आप कभी गए हैं, पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मंडोवी नदी सामने मिलेगी और पुस्तकें मिलेगी, उन पुस्तकों में भी ज़्यादातर दक्षिणी, इतनी दक्षिणी प्रदेश से दूर होने पर भी दक्षिणी भाषा को लेकर एक संत की तरह ये चिंतन मनन करते रहते हैं। मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, डॉक्टर साहब अपने इस चिंतन को, मंथन को आप आगे बढ़ाएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी, हम जैसे लोग इसे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बाद आदिलशाही कालीन गद्यकाव्य पर मिर्जा हाशम बेग, जो नलदुर्ग के युवा स्कॉलर हैं, आपने बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अपनी बातें रखी। कुली कुतुबशाही कालीन गद्य सबरस पर डॉक्टर आशिक अली साहब जो अलीगढ़ से पधारे हैं, आपने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, आपकी बात जब हो रही थी, मैं अपने कोलीग्स के साथ बैठा था, मैंने डॉक्टर रत्नाकर से कहा, डॉक्टर रत्नाकर सी कितने व्यवस्थित रूप से, सिंपल बातों में, सरल शब्दों में ये अपनी बातों को, अपने गंतव्य को, अपने विचारों को हमारे सामने
प्रस्तुत कर रहे हैं, ये रोल मॉडल है हमारे सामने। मैं आशिक अली साहब को दाद देना चाहूँगा, उसके बाद कुली कुतुब शाही कालीन कवि गवासी एज यूजल खुर्शीदा बेगम हमारे विभाग की छात्रा है। बस इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, विभाग में हम चारों आने के बाद एमफिल और पीएचडी शुरू हुई है। अभी अब तक मैं केवल मैं पीएचडी का गाइड हूँ। 5 विद्यार्थी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। इन 5 में 2 विद्यार्थी मोहन एक है, खुर्शीदा है, दोनों दक्षिणी साहित्यकारों कवियों दक्षिणी भाषा पर काम कर रहे हैं। ये जैसे मैंने सुबह भी कहा, ये हम लोगों का अपना तरीका है मौलाना विश्वविद्यालय की सेवा करने का, उर्दू और हिंदी को जोड़ने का। उसके बाद हुसैन, मैं खुर्शीदा की प्रस्तुति के बारे में इसलिए कहना नहीं चाहूँगा, ये अपनी छात्रा है, अपनी बेटी है, डिपार्टमेंट की ये अमानत है। यदि मैं उनकी तारीफ करूँगा, आप ये ना समझे कि कट्टी मैनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। हुसैन निजाम शाही कालीन काव्य अहमदनगर, डॉक्टर आर एन शुक्ला अलीगढ़ से जो पधारे हैं, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से अपनी बातें हमारे सामने रखी। फखरुद्दीन निजामी बिदरी मोहम्मद, प्रोफेसर मोहम्मद कुंज मेहतर केरल से आए हुए हैं। आपने कैसे प्रस्तुति रखी, आपकी प्रस्तुति कैसे थी, ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इस मौके पर डॉक्टर साहब के बारे में एक वाक्य में कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब का पूरा जीवन, कुछ लोग हैं हमेशा होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, आप जानते हैं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, कन्नड़ प्रदेश में कुछ लोग हैं, मैं 1979 से आज तक देख रहा हूँ, वो कन्नड़ भाषा को लेकर अर्पित हैं। प्रोफेसर दे जोरेगौड़ा मैसूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उस समय से, उस जमाने से आज तक, डॉक्टर साहब वो केवल कन्नड़ भाषा को लेकर ही बात करते हैं, नई नई चीज़ उनमें हम उनको लेकर हम कहा करते हैं ये कन्नड़ प्रदेश के पट्टी श्री रामलु है। उस तरह दक्षिणी को लेकर ही 40 लगातार 40 बरस से, अब एक दो बरस तपस्या करने से विश्वामित्र को रंभा बुरोशा मेनका ये सब मिल गई थी, हमने सुना। लगातार जस्ट इमेजिन 40 बरस तक दक्षिणी पर, दक्षिणी साहित्य के बारे में ये जो इसको डीकोड करने में, इस साहित्य को डीकोड करने में, इसको लोगों को कम्युनिकेट करने में आपका, डॉक्टर साहब आपका जो परिश्रम है, या हो सकता है हमेशा होता ये है कि लोग, बहुत से लोग काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत कम लोग प्रचलित होते हैं, बहुत कम लोगों को पुरस्कार मिलता है, बहुत कम लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको पुरस्कार नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने जो काम किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात नहीं है। और ये रिवाज है दुनिया का कि कुछ लोग प्रचलित हो जाते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद कुंज मेहतर साहब ने जो काम किया है उसको दक्षिणी समाज ने, हिंदी समाज ने, उर्दू समाज ने, भारतीय समाज ने अभी भी ठीक ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये कहना चाहूँगा। ये चूक है, ये हमारी समाज की गलती है, लेकिन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय जैसा एक विश्वविद्यालय भी है, जिस विश्वविद्यालय ने आपको रिकॉग्नाइज किया, जिस विश्वविद्यालय ने समझा कि नहीं, ये एक ऐसा विषय है जिस पर एक संत, एक सूफी अलेप्पी में बैठे हैं, त्रिवेंद्रम में बैठे हैं, हमेशा इसको लेकर ध्यानमग्न है, इसीलिए इस ध्यानमग्न संत को अलेप्पी से यहाँ तक लाने में हम सफल हो गए। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, हम पूरा यूनिवर्सिटी, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। दक्षिणी भाषा में सूफी साहित्य विषय पर हमारे और एक छात्र उमेश कुमार शर्मा ने बहुत ही उन्होंने परिश्रम किया है, नरहरि प्रसाद
यहाँ के जो दक्षिणी कवि हैं उन पर उन्होंने एमफिल किया। अब हम लोगों का सौभाग्य देखिए, विभाग खुलकर अभी 20 दिन शायद हुए थे, एक साहब का फ़ोन आया, हमने पेपरों में पढ़ा कि आपके यूनिवर्सिटी में विभाग खुला हुआ है, हम हिंदी विभाग में गोल्ड मेडल रखना चाहते हैं। नरहरि प्रसाद के नाम पर, कवि नरहरि प्रसाद के नाम पर उन्होंने, उन लोगों ने गोल्ड मेडल रखा। और प्रसंगवश मैंने कहा कि इन लोगों, इन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारी किताबें उन लोगों ने भेज दी। पढ़ने के बाद मैंने कहा अपने कलीग, अपने सहकर्मियों से, अरे यार इस पर तो काम होना चाहिए, इस पर लिखना चाहिए। फिर शर्मा जो यहीं के हैं, उमेश, उनसे हमने कहा कि यार इस पर तुम काम करो। बहुत बढ़िया ढंग से शर्मा ने एमफिल काम किया है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित रूप से, उनकी वैयक्तिक ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब, मेरे भाई साहब हैं, कुछ संबंध बनते इस तरह। कई मेरे ऐसे पारिवारिक मित्र हैं मेरे जीवन में, हम कभी प्लेन में मिले थे, कभी हम रेल में मिले थे, कभी हम बस स्टैंड में मिले थे, हम अभिन्न मित्र बन गए, जीवन भर के मित्र बन गए। हिंदी के माध्यम से हम दोनों मिले, ये मेरे भाई हैं। मैं केवल अभी नहीं, बहुत दिनों पहले भी मैंने घोषित किया है, वो अकेले नहीं आए, अपने दोनों कोलिग्स दोस्तों के साथ आए। फ़ोन करते ही, लिखते ही उन्होंने लिखा, कहा कि कटिमनी साहब, हमें आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी आप जानते हैं एक अहम चीज़ है, हम अपने विश्वविद्यालय से पैसा ले लेंगे, बस आप चिट्ठी भेजिए। ये तीनों साहब अपने विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पैसा लेकर इधर आए, हमारे साथ रहे, हमारे मार्गदर्शन करते रहे। आगे भी मैं ये ख्वाब रखता हूँ, आशा करता हूँ आप पूरे, आपके जो विभाग है उसका मार्गदर्शन, सहयोग हमें मिलते रहे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस भाषा को लेकर बहुत सतर्क है, उसी भाषा को लेकर ही यहाँ केंद्र में रखकर यहाँ काम हो रहे हैं। हम दोनों एक ही विषय को लेकर अलग अलग ढंग से ध्यानासक्त हैं, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं प्रोफेसर अब्दुल अजीम साहब का धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समझूंगा। कवि सम्मेलन के बारे में मैंने बता दिया है, इस कवि सम्मेलन के संदर्भ में मेरे कलीग डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीज ने जो भूमिका बांधी, जो भूमिका हमारे सामने रखी, ये बहुत अहम चीज़ है। दक्षिणी साहित्य पर डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीज साहब का बहुत ओहदा काम है, आपने बड़े अच्छे ढंग से सरल भाषा में, यदि लिटरेरी उर्दू का आप उपयोग करते, हमें से कई लोग समझ नहीं पाते, इतनी सरल उर्दू का, दक्षिणी का, हिंदुस्तानी का आपने लफ्ज़ों का आपने उपयोग किया, जिनसे हम सभी लाभान्वित हुए। मैंने उनसे कहा कि इसमें आप कुछ परिवर्तन मत कीजिए, हमें दे दीजिए, हम छापेंगे, आप दे देंगे। मैं विभाग की ओर से डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीद साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा और जो कविगण आए थे उनको भी मैं धन्यवाद दे दूँगा। और एक दो मिनट का डॉक्टर साहब, अध्यक्ष महोदय, मैं टाइम ले लूँगा, अपनी बातें समाप्त करूँगा। आपने कल से आज तक सभी ने जो प्रतिपादन किया है, यहाँ एक दक्षिणी चेयर होना चाहिए, दक्षिणी कोश को लेकर, दक्षिणी साहित्य कोश को लेकर, दक्षिणी भाषा को लेकर एक व्यवस्थित रूप से इस विश्वविद्यालय में काम होना चाहिए। आपने एक, आप लोगों ने जो सपना देखा है, आप लोगों ने जो बात रखी है, मैं आप सबकी ओर से, आप सबके दिल की बात को मैं अपने फ्रेंड फिलासफर गाइड वाइस चांसलर प्रोफेसर एम पठान साहब के सामने कल ही रखूँगा और बहुत जल्द उस चेयर के काम के लिए हम सब दोबारा मिलेंगे। जहाँ तक चेयर या आगे चलकर रिसर्च की बात है, ये बस आप लोगों पर निर्भर है, केवल मैं फैसिलिटेटर रहूँगा, पूरा हिंदी विभाग यहाँ फैसिलिटेटर का काम करेगा,
विश्वविद्यालय और आप दोनों के बीच में, आप सबके बीच में आप सबका मार्गदर्शन इससे दुगना चौगुना हमें मिलेगा तो हम समय पर, क्योंकि जब चेयर का काम होता है, प्रोजेक्ट का काम होता है, आप सब जानते हैं, वो टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड में हमें ये सब करना पड़ता है, हम टाइम बाउंड में ही करेंगे। आप सबका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। इतना कहते हुए, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ धारवाड़ में भी, मैं लकी इसलिए हूँ धारवाड़ में भी मैं 2 बरस चेयरमैन रहा, कुछ बरस डिपार्टमेंट में रहा, ऐसे ही लोग मुझे मिले जो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, कहते रहे कि कट्टीमिनी अच्छा आदमी है। यहाँ उर्दू तहजीब में मैंने ये देखी है कि अरे आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप बड़े होने वाले हैं, तो यहाँ लोग कहते हैं दुआ करिए। और मुझे अपने पूरे जीवन में अच्छे लोगों की दुआ हमेशा मिलती रही, इसीलिए ये जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं आप लोगों की दुआ के कारण। बस मैं इतना कहना चाहूँगा विभाग को लेकर, अपने कलीग्स को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, आपकी दुआ की असीम रक्षा हमेशा हमारे पास रहे, हमारे ऊपर रहे। हमेशा आप, हम यदि गलत काम करते हैं आप हमें मार्गदर्शन करें, जो हितवचन देते हैं कटिमिनी गलत काम कर रहे हो उससे बढ़कर कोई हितरक्षक नहीं होता। मैं तो कई लोगों को, कई प्राध्यापकों को यहाँ वैयक्तिक मार्गदर्शक मानते हैं, प्रोफेसर सत्यनारायण जी सुबह जब से मैं इधर आया हूँ उनको मानता हूँ, प्रोफेसर सत्यनारायण मेरे मार्गदर्शक, प्रोफेसर माणिक्यम्बा जी मेरे मार्गदर्शक हैं, प्रोफेसर पिहल साहब मेरे मार्गदर्शक, जो आशा जी हमेशा जो भी कार्यक्रम हम करें हमेशा आप हमारे साथ हैं, इसीलिए आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे। इस संगोष्ठी के आयोजन में, इसको, इस कॉन्सेप्ट को रूप देने में अवस्थी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। सुबह से शाम तक, एक दिन डॉक्टर साहब हमारे डिपार्टमेंट आए, सुबह से शाम तक हमारे साथ बैठे और छोटी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, कहा कि इस ओर आप काम करा सकते हैं, इस ओर आप काम करा सकते हैं, जिसके कारण से हम इस यदि आप मानते हैं कि ये सफल आयोजन है, ये सफल आयोजन का बीज बोया प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश दत्त अवस्थी साहब ने आपको, और परमानंद पंचाल साहब को जो इतनी उम्र में, इतनी अब क्या इस अवस्था में दिल्ली से इधर ट्रेन में, सेमिनारों की पाबंदी ये है, आप रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम एयरफेयर नहीं दे सकते, एयरफेयर, और दिल्ली के स्कॉलर्स ऐसे हैं कि एयरफेयर के बगैर नहीं आते, लेकिन पंचाल साहब आए। मैं समझता हूं कि पंचाल साहब को इधर लाने में हिंदी विभाग या कट्टीमिनी या आप नहीं, खुद दक्षिणी है, दक्षिणी के प्रति उनका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, हर उम्र में कोई ना कोई आकर्षण होता है, डॉक्टर साहब को दक्षिणी के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, इसलिए आप इधर आए। आपको मैं नतमस्तक हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे भी आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए सदैव बना के रखे। बस एक सूचना देना चाहूँगा, आप गलत मत समझिए, जैसे मैंने कहा कि टाइम बाउंड है, या आप लोगों ने जो बात की है, आप लोगों ने जो प्रपत्र लिखा है, रखा है, ये 31 मार्च के पहले आप इसको टंकित करके भेजने का कष्ट करें। 31 मार्च के बाद में जो लेख मिलेंगे, आप गारंटी नहीं कि वो प्रकाशित होंगे, लेकिन 31 मार्च के पहले जो आ जाएंगे डेफिनेटली उन सबको हम प्रकाशित करवाएंगे। इसलिए मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने अपने गांव, स्थान, घर जाते ही बहुत जल्दी उसको व्यवस्थित रूप से लिखकर हमें भेजने का कष्ट करें। जो उसका प्रिंटिंग का काम है मैं निपटा लेता हूं, आगे भी कोई कष्ट हुआ तो मैं आपको फ़ोन करके, पत्र लिख के आपको कष्ट देता रहूँगा। इन चंद बातों के साथ अपनी बातें मैं समाप्त रखना, प्रतिवेदन की बातें समाप्त करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।